आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन क्या हमारी मानसिकता आगे बढ़ पाई है, यह बड़ा सवाल है। रेलवे विभाग रेल यात्रियों को सुविधा देने के लाख दावे करती है, लेकिन ये दावे तब झूठे साबित हो जाते हैं जब हकीकत की तस्वीर सामने आ जाती है। दरअसल नरकटियागंज के भैरोगंज गांव निवासी प्रमोद सिंह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। परिजन इनका इलाज कराकर ट्रेन से नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। मरीज के परिजन का आरोप है कि स्ट्रेचर मांगने रेलवे के पदाधिकारी के पास गए, काफी मिन्नतें की, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी और वहां से उन्हें भगा दिया। तो विवश होकर परिजन प्लेटफॉर्म से ठेले पर लाद कर मरीज को ले गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे थे। कहाँ से स्टेशन नहीं मिला है? मांगने गई थी। हाँ चलिए ना, पूछवा देता नहीं कुछ नहीं है तो कहते लो कि ना ना मिली ऐसा बोले सुविधा है बजा जाना कौन स्टेशन है कौन ही यार तो भगा दो लो कहते लो कौन सुविधा इतने दूरी है मम्मी का पूजा तो 600-700 रुपये लगा दूंगी तेरे पर ले नहीं है ले इतने दूरी है 100 रुपये लेता हूँ कहाँ से स्टेशन नहीं मिला है? बक्सर के नगर थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित पीपर पांती रोड में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद गोलियां चलने से दहशत का माहौल कायम हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही एक लाइसेंसी राइफल को भी जब्त किया। मौके से पुलिस ने इस्तेमाल किए हुए कारतूस भी बरामद किए। हमारे बाबू छोड़ावे लोग गए लोग यहाँ के मार रहा है लोग छोड़ाने गए लोग तो उल्टे मेरे बाबू पड़ गया लोग मारने। मेरा पति नहीं है, 2 साल उनको मरना हो गया। हमें सब बस परेशान करता है लोग, मारता पीटता है लोग, कहता है लोग कि दूगो में से एक ही रहेगा, हम गोली से मार के मुआ देंगे, ऐसे ऐसे सब धमकी देता है लोग। पीछे मेरा जमीन ले आया हुआ है, कहता है लोग कि देखते हैं कि कैसे बनाता है लोग। अच्छा उसमें काम भी लगा है ना मकान? अभी नहीं काम मेरा लगा है, अभी उसी तरह से पड़ा है। जो 3-4 आदमी सारे इतना ओवरलोड पिए हुए थे, एक तो इनको खींच के लेके गया, बच्चा हमको आके बोले मम्मी देखो आदमी आए अंदर घुस के आ रहे हैं, तो हम खाना बना रहे थे, हम तुरंत गए, देखा तो वो अंदर तक आ गया, हमको उल्टा सीधा बोलने लगा बंदूक मार देंगे, उल्टी सीधी गाली, गंदी गंदी गाली बक रहा है, पूरा ओवरलोड ऐसे चढ़े जा रहा है, एकदम चढ़े जा रहा है। पीबी रोड में 2 दुकानदार हैं, दोनों की दुकान बिल्कुल अगल बगल है, एक की दुकान कॉस्मेटिक्स की है, दूसरे की अटैची की दुकान है। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों में मारपीट भी हुई है, उसके बाद एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई। 2 आदमी को इसमें डिटेन किया गया है और जिस लाइसेंस वेपन से फायरिंग की गई थी वो लाइसेंस वेपन भी जब्त हो। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।